जो भी आपके पास्ट मिस्टेक्स थे उनसे सीखते हुए आप अपने जूनियर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे? आई विल सजेस्ट ऑल द माई जूनियर्स कि एनसीईआरटी पे स्टार्टिंग से फोकस रखो, स्पेशली इन केमिस्ट्री फॉर जेई मेंस। अभिषेक, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा और आखिर क्यों? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिकॉज इट वॉज वेरी लॉजिकल, फुल ऑफ मैकेनिज्म्स एंड लॉजिक्स, जिसमें आप खुद से नया कुछ सोच सकते हो। अपने प्रिपरेशन के समय आखिर आपको ये कब पता चला कि किन एरियाज पे आपको काम करना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है? सबसे बेस्ट टूल है कि रेगुलर टेस्ट देते रहो, जो भी कोचिंग्स में होते हैं, जब भी रिजल्ट आते हैं उसके बाद टॉपर्स के जो इंटरव्यू होते हैं, जो टॉप रैंकर्स होते थे उनके इंटरव्यू से लर्निंग लेता था कि क्या वो चीज़ वो करते थे जो मैं नहीं कर रहा हूँ। अभिषेक, 99.91% in JEE Mains, awesome स्कोर। आपके प्रिपरेशन के समय कभी कभी तो ऐसा होता होगा कि किसी टेस्ट में आप कम स्कोर करते होंगे, जिसके कारण से आपको निराशा भी होती होगी, ऐसे टाइम को आप कैसे मैनेज करते थे? इसका बहुत आसान तरीका है कि जब भी आपके लो मार्क्स आए तो कोशिश करना है और अपने आप में याद करना है कि जब आपके सबसे बढ़िया मार्क्स आए थे, सबसे ज़्यादा मार्क्स, तो उससे होता है कि अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम ही लाए थे सबसे ज़्यादा मार्क्स, उतना ज़्यादा मार्क्स मीन्स हम ला सकते हैं उतना। और माइंड में हमेशा रखना है कि दिस इज़ नॉट द फाइनल एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम में का स्कोर मैटर करेगा, ये स्कोर। दैट मीन्स कभी भी अगर आपके लाइफ में खराब फेज आता था तो आप अपने अच्छे फेज को याद करके खुद को सेल्फ मोटिवेट करते थे। दैट्स रियली एन ऑसम आंसर। अभिषेक, अपने प्रिपरेशन के समय जो भी आपके पास्ट मिस्टेक्स थे उनसे सीखते हुए आप अपने जूनियर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे? मेरे प्रिपरेशन के समय मैंने मिस्टेक किया था कि मैं एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस नहीं करता था, स्पेशली इन केमिस्ट्री और फिजिक्स, और दैट कॉस्ट मीन्स लास्ट में मेरे को पता चला कि जब मॉक्स देने समय कि एनसीईआरटी इज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री। सो आई विल सजेस्ट ऑल द माई जूनियर्स कि एनसीईआरटी पे स्टार्टिंग से फोकस रखो, स्पेशली इन केमिस्ट्री फॉर जेई मेंस। दैट मीन्स एनसीईआरटी इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन जेई मेंस एग्जाम। यस सर। अभिषेक, प्रिपरेशन के दौरान लगातार पढ़ते रहने से कभी कभी बोरियत भी होती होगी, बिल्कुल, आखिर इस पीरियड को आप कैसे मैनेज करते थे? इसके लिए मैं सबसे पहले ट्राई करता था कि बहुत लंबी सीटिंग्स ना लूँ, मीन्स 2 घंटे का सीटिंग लिया, फिर आधे घंटे का ब्रेक या 10-15 मिनट वॉक कर लिया, बाहर घूम लिया या म्यूज़िक सुन लिया। और मेरा जब भी मैं खाना खाने बैठता था या ज़्यादा बोरियत हो रहा है तो फिर मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता था, एंड स्पेशली एग्ज़ाम के एक दिन पहले या जो उस वीक होता है एग्ज़ाम के पहले का वीक, तो उसमें मैं उस वो कॉमेडी शो देख के ज़्यादा अपने आप को लाइट रखता था। दैट मीन्स पढ़ने के साथ साथ आपने बीच बीच में मस्ती भी खूब की है। बहुत ज़्यादा। दैट्स रियली ऑसम। अभिषेक, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा और आखिर क्यों? यस, सो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिकॉज इट वॉज वेरी लॉजिकल, फुल ऑफ मैकेनिज्म्स एंड लॉजिक्स, जिसमें आप खुद से नया कुछ सोच सकते हो। अगर क्वेश्चन आया तो ये नहीं कि ब्लैंक हो गए, जो क्वेश्चन में जिस तरह का रिएजेंट है उस तरह से खुद से मैकेनिज्म भी बना के आप सॉल्व कर सकते थे। एंड सेकेंड सब्जेक्ट वॉज फिजिक्स ऑल्सो, बट इट वॉज लाइक मेरे लिए आसान था, तो उस पर उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, ठीक था। मीन्स फिजिक्स वॉज ईजी फॉर यू, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉज इंटरेस्टिंग फॉर यू। दैट्स रियली अगेन अ गुड आंसर फ्रॉम यू। अभिषेक, ऐसे तो सब जानते हैं कि जेई के एग्जाम में सक्सेस पाने के लिए अकेडमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बट अकेडमिक्स के अलावा आखिर और वो कौन सी चीज़ थी जिन्होंने आपको इस इतने अच्छे परसेंटाइल को स्कोर करने में हेल्प किया हो? सो द फर्स्ट थिंग वॉज रेगुलर मोटिवेशन, जो हमारे टीचर्स देते रहते क्लास के दौरान, क्लास के बाद, या यूट्यूब कभी स्क्रॉल कर लिया तो उस पर। और सेकेंड थिंग वॉज पेरेंट्स का सपोर्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी जर्नी में, क्योंकि जेई के जर्नी में जितना अप्स एंड डाउन्स मैंने देखा शायद उससे पहले की लाइफ में हम लोग नहीं देखते हैं, तो उस समय पेरेंट्स का पेरेंटल सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड दैट वॉज दैट मीन्स कभी भी आपने अगर खराब स्कोर किया एग्ज़ाम में, फिर भी आपके पेरेंट्स ने आपको मोटिवेट किया और आपको सपोर्ट किया, उन्होंने आपके अंदर एक बिलीव बनाए रखा कि नहीं तुम कर सकते हो। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंटल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बच्चे के सक्सेस के लिए। यस बिल्कुल। अभिषेक, ये बताओ कि अपने प्रिपरेशन के समय आखिर आपको ये कब पता चला कि किन एरियाज पे आपको काम करना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है? इसका सबसे बेस्ट टूल है कि रेगुलर टेस्ट देते रहो, जो भी कोचिंग्स में होते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट या मॉक टेस्ट, पार्ट टेस्ट, जो भी है। एंड सेकेंड थिंग वॉज कि मैं जब भी रिजल्ट आते हैं उसके बाद टॉपर्स के जो इंटरव्यू होते हैं, जो टॉप रैंकर्स होते थे उनके इंटरव्यू से लर्निंग लेता था कि क्या वो चीज़ वो करते थे जो मैं नहीं कर रहा हूँ। दैट वॉज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैंने अपने प्रिपरेशन में ऐड किया था। सो अभिषेक, जेई मेन्स फेज 1 99.91 परसेंटाइल, दैट्स अ ऑसम स्कोर, बट अब नेक्स्ट क्या?
जेई फेस टू या जेई एडवांस, अब क्या करने वाले हो यहाँ से? यस, सो जब से स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, द मेन गोल वॉज IIT. सो द फ्रॉम नाउ द कम्प्लीट फोकस विल बी ऑन जेई एडवांस टिल द एग्जाम कम्स, एंड सेकेंड अटेम्प्ट विल गो ऑन इन द बिटवीन, बट द मेन फोकस इज कम्प्लीटली ऑन एडवांस फ्रॉम नाउ. So congratulations Abhishek and best of luck for JEE Advance also. Yes. Hope आप JEE Advance में भी बहुत अच्छा करेंगे. Yes. और physics वाला रांची विद्यापीठ का नाम रोशन करेंगे. Sure sir, I promise that. Thank you.